रविवार को युवा स्पोर्ट्स क्लब नानकपुर द्वारा 60 किलो वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व उत्तर प्रदेश की कुल 35 टीमों ने भाग लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के रामपुर की टीम ने पहला स्थान हासिल किया और उन्हें 11,000 रुपए नगद राशि व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। दूसरा स्थान सोनीपत की टीम ने प्राप्त किया, उन्हें 7100 रुपए नगद राशि व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हल्का कालका विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा किया गया, जिसमें क्लब को 11,000 रुपए की राशि का सहयोग दिया गया। वहीं इस मौके पर समाज सेवी व कांग्रेस नेता गुरभाग सिंह धमाड़ा ने भी शिरकत की और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर जीत हासिल करने वाली टीम को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पवन कुमार, भूपिंदर सिंह, सीता फौजी, रविंदर पाल मेहता, बाबूराम रामलोक, गुरमेल सिंह, सुरजन, हरदीप सिंह, सज्जन सिंह, नरेश, गंगाराम, गोला, लक्की आदि भी मौजूद रहे। 2400 ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਣ ਯੋਗ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਟੀਮ ਹੈ